हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबीज मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में FHR दी जाती है वो क्या होती है और वो कभी कभी कम या ज्यादा भी होती है, तो इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों होती है। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे क्या हम FHR के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारे गर्भ में जो पल रहा शिशु बेटा है या बेटी। तो मैं ये आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी, साथ ही मैं आपके साथ अपने अल्ट्रासाउंड में बेबी बॉय की हार्ट बीट भी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि FHR का मतलब क्या होता है। FHR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फेटल हार्ट रेट। इससे पता चलता है कि बच्चे की धड़कन, मतलब जब हम प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें क्लियर होता है कि हमारे बेबी की जो धड़कन है वो मौजूद है कि नहीं। अब मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगी कि जो हमारी फेटल हार्ट रेट होती है जब वो 140 से ऊपर जाती है क्यों जाती है और जब वो 140 से नीचे होती है तो क्यों होती है। देखिए, इसका सीधा सीधा रीजन ये होता है, जब हम बच्चे के तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो जिस वक्त हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उस पीरियड में अगर बच्चे की धड़कन जो है वो स्लो स्लो धड़कती है तो हमारी जो फेटल हार्ट रेट होती है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। ठीक है, मतलब वो 140 से नीचे हो जाती है या फिर 140 रहती है। लेकिन जब हम प्रेगनेंसी के, मान लीजिए हम 6 या 7 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उस पीरियड में क्या होता है कि जब हम बच्चे की अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं तो उस समय बच्चे की धड़कन जो है कभी कभी थोड़ा सा तेज हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से जो हमारी फेटल हार्ट रेट होती है वो थोड़ा सा हाई हो जाती है, कभी कभी 150 हो जाती है तो कभी कभी 150 से ऊपर भी चली जाती है, 157 भी हो जाती है। तो इसका असली मतलब जो होता है वो ये होता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, हमारे गर्भ में या बेटी हो या बेटा हो दोनों के साथ ही यही प्रक्रिया होती है, तो इस बात से बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है बेटा है या बेटी। अब मैं आपको जो है अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दिखा के और ज्यादा क्लियर करना चाहूंगी कि जो मेरे बेबी बॉय हुए थे उस टाइम पे उनकी हार्ट रेट क्या थी और क्या नहीं थी। ठीक है, और वैसे मेरे बेबी गर्ल भी है लेकिन बेबी गर्ल के मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं है क्योंकि वो काफी बड़ी हो चुकी है। मेरे पास बेबी बॉय की है तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ट्विंस बेबी बॉय की तीनों अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको एक एक करके हार्ट बीट दिखा रही हूँ। ये हमारी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको सबसे पहले अपना नाम दिखा रही हूँ। ये देखिए मेघा, यहाँ पे देखिए बेबी का जो हार्ट रेट आप देख सकते हैं, ये देखिए जो दे रखा है ना, ये जो है वो 140 से ऊपर है। ठीक है, और ये जो मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है इसमें एक ही बेबी की हार्ट बीट शो कर रही थी, दूसरी की नहीं की थी और ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। ये मेरी दूसरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं। ये देखिए, ये फेटल हार्ट रेट देखिए, एक बेबी की 147 BPM आई है और एक बेबी की 145 BPM है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बेबी की जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेबी की जो हार्ट रेट है वो 130 से नीचे और 160 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये मेरी जो है वो थर्ड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। ये देखिए, आपको मैं अपना नाम भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फेटल हार्ट रेट आप देखिए, मैं 158 BPM दे रखा और 155 BPM। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो बेबी की हार्ट रेट थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी जिस वजह से हमको इमरजेंसी में ही करवाना था। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि कम या ज्यादा का मतलब लड़का या लड़की नहीं होता है बल्कि ये हमारे बेबी के धड़कन के बारे में ही बताता है। ठीक, और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, पहले अल्ट्रासाउंड में हार्ट रेट कितनी हाई थी और उसके बाद फिर कम हो गई थी, फिर यहाँ पे हाई हो गई है, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुए थे। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपने खुद ही देख लिया। तो बस मुझे आपका यही वहम दूर करना था कि हार्ट रेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड में कुछ भी दिया जाए वो हमारा इसलिए नहीं दिया जाता है कि हम इससे ये आसानी से पता कर ले कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि हमारा बेबी सेफ है, हमारे बेबी कैसा है कैसा नहीं है, और हम अपने बेबी के बारे में जान सकते हैं ना कि बेबी के जेंडर के बारे में। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में ये बिल्कुल बैन है पूरी तरीके से कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये जान सकें कि हमारे गर्भ में पल रहा बेटा है या बेटी। उसका रीजन है क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही उनको ये पता चलता है गर्भ में बेटी है तो 80% लोग जो है गर्भपात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे गर्भ में बेटा है या बेटी, इसलिए वहां पे उनको ओपन तरीके से बता देते हैं। और यही रीजन है कि अल्ट्रासाउंड में हमारे डॉक्टरों को भी बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है कि वो कोई भी ऐसा साइन छोड़े जिसके थ्रू लोगों को पता चले बेटा है या बेटी। ठीक है, अब मैं आपकी एक गलतफहमी और दूर करूंगी थोड़ा क्लियर समझा के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्ट्रासाउंड होता क्यों है।
ठीक है। अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं होता है कि हमको ये पता चले बेटा है या बेटी, अल्ट्रासाउंड इसलिए होता है ताकि हमको ये पता चले या बेटा हो या बेटी, उसका विकास सही हो रहा है, उसके अंग अच्छे से विकसित हुए, उसका ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, उसकी जो पानी की थैली है वो उसमें पानी की कमी तो नहीं है, या फिर मतलब उसमें कोई जन्मजात विसंगतियां तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो है ये सब देखने के लिए होता है, ठीक है। मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी तीनों शेयर की है, जिनका मैंने वीडियो डिटेल में बनाया है, और मैंने डिटेल में ये भी समझाया है कि हम अपने अल्ट्रासाउंड में कौन से महीने में कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप एक बार जरूर चेकआउट कर ले और आप देखें, ठीक है। आप बिना जेंडर देखे किसी भी तरह से पता नहीं कर सकते हैं बेटा है या बेटी। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर अल्ट्रासाउंड से ये सब क्लियर हो जाता या फिर हार्ट रेट से क्लियर हो जाता तो अभी भी हमारे इंडिया में जो है भ्रूण लिंग की जांच लोग करवाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर इतनी आसानी से पता ही चल जाता अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो लोग बेवकूफ थोड़े ना है जो करवाते हैं अभी भी, ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हो या छोटे मोटे हॉस्पिटल हो, हर जगह ये लिखा होता है कि भ्रूण लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है। इसका मतलब ये साफ होता है कि इंडिया में अभी भी भ्रूण लिंग की जांच करवाई जाती है। तो इसका मतलब ये है ना कि क्लियर होता ही नहीं अल्ट्रासाउंड से, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ऐसा कोई भी साइन नहीं देते हैं जिसके थ्रू हम बिल्कुल पक्का पता कर लें। और मैं अब आपको एक बात और बताऊंगी, आप एक चीज और नोटिस करिए कि पहले के जमाने में जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती थी या आज भी, तो हम क्या करते हैं कुछ अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ कोई पेट को देके अंदाजा लगाता है, कोई खाने को लेके अंदाजा लगाता है, ये कोई क्लियर नहीं करता है कि आपके मतलब लड़का ही होगा या लड़की होगी, ठीक है। बाद में लोग कहते हैं कि बस अंदाज लगा रहे हैं, बाकी प्रभु की मर्जी है क्या होना है क्या नहीं होना है। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप एक तरीके का बहम जरूर पाल सकते हैं कि बस किसी ने कह दिया कि हार्ट रेट से बेटा या बेटी होगा तो आपने मान लिया। तो आई होप कि आपकी थोड़ी सी गलतफहमी बिल्कुल दूर हुई होगी। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, जिस समय होता है उस समय जो स्क्रीन पे जो भी पिक्चर चलती है उससे सिर्फ डॉक्टर को ही क्लियर होता है, जो हमारा अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं वही उस समय जानते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी, लेकिन उनको आपको बताने की किसी भी तरह की परमिशन नहीं होती है और उनके अलावा कोई भी ये आपको नहीं बता सकता है। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। बहम पालने से कई गुना ज्यादा बेटर है कि किसी भी चीज को क्लियर समझने की कोशिश करें कि ये होता क्यों है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।